ये फसल जो है रातों रात करोड़पति कर देती है। इस वक्त 60 लाख रुपया पर एकड़ पे इसकी इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक इसकी रिटर्न है। मैं हूं काड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर और आज हम खेतों में मौजूद हैं और ऐसी प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं जिसके बारे में ये तासर इस वक्त जुबान ज़दे आम है कि ये फसल जो है रातों रात करोड़पति कर देती है। जीवन लेसन मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, मुकामी काश्तकार मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। मलिक साहब, कैसे ये लेसन जो है जीवन रातों रात करोड़पति कर देता है, इस हवाले से तो बताएं। ये जीवन रातों रात अमीर कर रहा है, ये हकीकत है इसमें, क्योंकि इसकी जो एवरेज है एक खेत में 300 से लेके 500 मन तक पर एकड़ इसकी प्रोडक्शन है। कोई भी फसल इसमें इतनी प्रोडक्शन नहीं देती जितनी जीवन ने, और ये पाकिस्तान की फर्स्ट यील्ड है जो पाकिस्तान ने तैयार किया है NARC ने, और जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है। पैदावार पे लागत और बचत के हवाले से, मतलब कि इस टाइम ये एक एकड़ पे कितनी इसकी लागत आई है और क्या रिटर्न इसका बैकअप जो है किसान को क्या मिले? तकरीबन इस वक्त 60 लाख रुपया पर एकड़ पे इसकी इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक इसकी रिटर्न है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया इसका उस किसान को, जिमीदार को, काश्तकार को जो है वो मिलेगा। अच्छा, ये सब्जियों के अलावा, मतलब ये इतना महंगा सीड जो है, ये इतनी महंगा जो ये जीवन लहसुन है, मतलब इसका हंडिया में क्या फायदा है? क्या क्योंकि सेहत के अतबार से ये डिफरेंट है, या कि हंडिया के अलावा ये किसी जगह पे इंडस्ट्री में या कहीं और इस्तेमाल होगा? जी, ये इंडस्ट्री में भी होगा और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये पाकिस्तान पे पहले ये भाई से इम्पोर्ट करता था, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो जाएगा। तो इस वक्त भी वसी पैमाने पर जो है ये जीवन लहसुन की जो है काश्त यहाँ पर की गई हुई है, और बकौल यहाँ इन मुकामी जिम्मेदारों के, तो इनका इस हवाले से यही कहना है कि ये जीवन लहसुन जो है पहले पाकिस्तान जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करता था, और ये फर्स्ट बीज है जो पाकिस्तान ने अपना तैयार किया, और ये जिम्मेदारों के लिए बहुत ज़्यादा नफामंद होने के साथ साथ इसमें आने वाले वक्त में बकौल इनके के पाकिस्तान जो है खुद कफील हो जाएगा इस बीज में, और ना सिर्फ खुद यहाँ पे ये बीज इस्तेमाल होगा बल्कि पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करने के काबिल भी आने वाले वक्त में हो जाएगा। यहाँ के मुकामी जिम्मेदारों के मुताबिक ये रातों रात करोड़पति होने वाला एक फार्मूला है, तो जिम्मेदार अगर कोशिश करें तो वो भी इस पे करोड़पति हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ खोखर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।